यूपी में बांदा के बबेरू में अज्ञात कारणों के चलते एक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे परिजनों ने देखा, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित किया। उसके बाद बबेरू पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के हिसार में उकलाना खंड के खैरी गांव में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर खुद को भी फांसी लगाई। पति पत्नी के बीच हुई थी मामूली कहासुनी, जिसके बाद पति ने उठाया ये कदम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया। यूपी में सिद्धार्थनगर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का अभ्यास करते हुए लोगों को बचाव के लिए जानकारी दी कि बाढ़ से कैसे बचा जाए। जिला प्रशासन की मांग पर 11 एनडीआरएफ वाराणसी से 30 सदस्य टीम तैनात की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में अचानक एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। इस आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राजस्थान में कोटा के कोटड़ी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए की अनोखी पहल। बिना मास्क और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। उत्तराखंड के गदरपुर में एक किसान ने रुके हुए पानी को आमदनी का जरिया बनाया। रमेश कुमार नाम के किसान ने बताया कि गदरपुर के दिनेशपुर मोड़ पर एक प्लॉट में ही हर साल पानी भर जाता है, जिसमें वो सिंघाड़े की खेती करते हैं। प्लॉट मालिक को 25,000 किराया देने के बाद दवाइयों के खर्च निकालने के बाद भी 15,000 से 20,000 वो कमा लेते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि अब दूसरे जिलों से आने वाले अपराधियों के लिए फरीदाबाद में मुश्किलें खड़ी होंगी। राजस्थान में बाड़मेर के पशपदरा रेलवे ने मंडापुरा में अवैध निर्माण कार्य किए चिन्हित। बता दें, पशपदरा रेलवे विभाग की जमीन पर दर्जनों अवैध निर्माण कार्य जारी थे। ग्रामीणों की शिकायत पर रेलवे अधिकारी ने अवैध निर्माण कार्य किए चिन्हित। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दशहरा मैदान में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वृक्षों से ही पृथ्वी पर जनजीवन संभव है, क्योंकि इनसे हमें न केवल ऑक्सीजन मिलती है बल्कि लकड़ी और छाया भी मिलती है। राजस्थान में जयपुर के शाहपुरा में बीते दिनों युवक के हुए अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी राकेश राजेंद्र तेजपाल और लोकेश की मृतक से आपसी रंजिश बताई जा रही है। इसके अलावा मामले में अन्य आरोपी देशराज, रवि महेश और मनोज फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा की तराई में 184 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन्य जीवों की खान है, जहां बाघ, हिरण, भालू जैसे कई जीव जंतु विचरण करते हैं। बता दें, यहां पर सालों बाद दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड कोरल कुकरी दिखा, जो साल 1936 के बाद दिखना बंद हो गया था। यूपी के टावा के जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस से मानिकपुर गांव से महिला मरीज के साथ उसके परिजन आए थे, जिसमें जिला अस्पताल पहुंचने के बाद महिला मरीज को उतारने के लिए वहां कर्मचारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि खुद ही महिला मरीज को इमरजेंसी वार्ड तक ले जाए। अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही इस तरह से आई सामने। यूपी में सोनभद्र के मानसी वन रेंज के एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी के दौरान वर्दी में एक वन दरोगा शराब के नशे में धुत है। वहीं इस मामले में प्रभागीय वन अधिकारी सोनभद्र संजीव कुमार ने कहा कि इस वीडियो की जांच करने और जांच में दोषी पाए जाने पर वन दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मधेपुरा में लगातार बारिश और नदी में उफान के कारण केला, धान, मक्का, पटसन सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ। वहीं खेतों में कई दिनों तक पानी लगे रहने की वजह से धान की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी गल गई। यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया बाजार बरन चौक के पास पीएसी जवान निकला कोरोना पॉजिटिव, जो कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर आया था घर। रिपोर्ट आने के पहले ही जवान गया अपनी ड्यूटी पर, जो कि फैजाबाद में तैनात है। कोविड 19 के संक्रमण को लेकर यूपी के बांदा में जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट्स का किया निरीक्षण और संबंधित जगहों को भी किया सील। उन्हीं जगहों पर जाकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं देखी गई और बगैर मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी की गई।
राजस्थान में बारा के मांगरोल उपखंड में बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि और जोड़े गए अतिरिक्त भार के विरोध में लोगों ने रोष जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM शत्रुघ्न गुर्जर को दिया ज्ञापन।